अरे कोहली भाई, अबे भैया कहाँ गए वो ससुरी वाले नलायक हरामखोर जो कह रहे थे रोहित शर्मा को टीम से बाहर करो, इनसे कुछ भी ना होना जाना। अबे देख लिया हमारा जलवा, अभी हम इतने बूढ़े ना हैं भैया के बल्लेबाजी ना कर पाए। अब कल ही देख लो नेपाल के खिलाफ 5 छक्के लगाए हैं। अबे भैया जो बातें कर रहे थे वो उनको बुलाओ भैया, कहाँ गए वो हमारे आगे अब बात करे आके। अबे उस दिन तो हमारी किस्मत खराब थी, और तुम तो जानते ही हो भैया जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। लेकिन भाई आज के टाइम पर उनको बुलाओ, आज हम उनसे बात करेंगे। अबे ससुरी वालों अभी हम बूढ़े ना हुए हैं, बताओ हम एक दो मैचों में लुल क्या हो गए। उन तो कहने लगे भैया सभी के सभी कि रोहित शर्मा में कुछ ना है, अब बुढ़ापा आ गया, टीम से बाहर करो। अबे टीम से बाहर नहीं, टीम में जलवा करते हैं हम, टीम इंडिया के कप्तान वैसे ही ना बन गए भैया, मेहनत करिए मेहनत। हाँ रोहित भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अबे टीम इंडिया के कप्तान हो भैया तुम और बढ़िया खिलाड़ी हो टीम इंडिया के। अबे बताओ हमारी टीम को तो तुमने एकदम लुल बना दिया, लेकिन भाई तुम एक बात भूल रहे हो, अगर हमारी टीम की जगह पे कोई तगड़ी टीम होती ना तो तुम आज भी लुल हो जाते। अबे हमारी टीम की गेंदबाजी ही तो बहुत हल्की है जब तुम्हारा बल्ला चल गया, अगर हमारी टीम के आगे कोई दूसरी टीम आ जाती ना तो हम भी उसको लुल बना सकते थे। लेकिन भाई हमारी टीम के आगे तुम्हारी टीम तगड़ी है और तुम्हारे आगे हमारी गेंदबाजी हल्की है, वरना ऐसा खेल होता मजेदार और भैया तुम एकदम लुल हो जाते, समझे। अबे रोहित पौडेल, अबे भैया ये क्या धमकी दे रहे हो रोहित भाई को, अबे तुमने देखा नहीं क्या जलवा, कल भी 5 छक्के ठोके हैं रोहित भाई ने, बाकी हमारी बल्लेबाजी तो तुमने देखी ही होगी। अबे तुमसे ना कुछ भी हो पाएगा, अगर हम पहले बल्लेबाजी करते ना तो तुम्हारे खिलाफ एकदम स्कोर जाता हमारा 900,000 रन, एकदम ऐसा काम हो जाता बढ़िया वाला, फिर तुम तो एकदम 100-150 रन पे ही ऑल आउट हो जाती तुम्हारी टीम। अबे हमारे विकेट भी ना गिरते भैया तुमसे, वो तो बढ़िया रहा हमने पहले टॉस जीता और उसके बाद तुमको बल्लेबाजी करवा दी, हमने कहा यार काय के लिए दूसरी टीम का रिकॉर्ड खराब करें, वरना तुम्हारी तो एकदम कहानी कल ही खत्म हो जाती। हाँ बात तो सही कह रहे हो सुमन गिल, अबे भैया बात तो तुम एकदम झटके मारने वाली कर देते हो, कसम से यार भैया क्या गजब की बात कही है तुमने। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, अगर हम पहले बल्लेबाजी करते ना तो एकदम मजा सा आ जाता, एकदम स्कोर बनता हमारा 1000-1200 के करीब, एकदम ऐसा स्कोर बनता तगड़ा वाला, क्योंकि नेपाल के खिलाफ भैया कहाँ आउट होते हैं हमारे खिलाड़ी, एक दो विकेट गिरता वो भी हमारे ही बल्लेबाजों की गलती से, बाकी तुम देख लो। हाँ भाई रोहित पौडेल, अबे मजा तो आ गया होगा तुमको भी भरपूर, अब देखो गेंदबाजों ने भी हमारे बढ़िया खेल दिखाया, बल्लेबाजों ने भी कमाल कर दिया, बाकी हमको इस बात की खुशी ना है कि साला हमारी बैटिंग ना आई, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते तो थोड़ा मजा अलग ही लेवल का आ जाता। अबे कोई बात नहीं कोहली भाई, अबे तुम्हारी बैटिंग ना आई तो बढ़िया रहा, अबे भाई बढ़िया तो रहा, हम मैच तो जीत गए, ना बैटिंग आई तो कोई दिक्कत ना है, अब देख लो बैटिंग तो हमारी भी ना आई लेकिन हमने गेंदबाजी कर दी भरपूर। अबे तुम टेंशन ना लो भैया, तुम तो बस एक काम करो, टीम इंडिया में बढ़िया खेल दिखाओ बल्ले से, और भैया फील्डिंग में थोड़ा कैच वैच छोड़ते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। अरे भैया तुम अगर कैच वैच ना छोड़ते ना, तुम श्रेयस अय्यर, अरे भैया ऐसा मजा आ जाता बढ़िया वाला, एकदम 150-100 रन बनते इनसे, एकदम लुल हो जाती नेपाल वालों की कहानी।